हेलो एवरीवन। तो चलिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना कर तैयार करेंगे। ये नाश्ता बारिश के मौसम में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए मैंने दो बड़े आलू को उबाल लिया था, इस तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने पैन में सरसों तेल डाला है, जीरा डाला है, हींग डाल देंगे इसमें। उसके बाद मैंने इसमें करी पत्ता डाल दिया है। अब इस तड़के को हम आलू वाले मिश्रण में डाल देंगे और हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद चलिए हम बेसन का घोल तैयार करते हैं। तो मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, इसे हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद मैंने इसमें डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच डाला है। थोड़ा सा अजवाइन इसमें डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेना है। जब मैंने इसमें पानी डाल दिया तो करीब आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसका बैटर फ्लफी हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप पानी और डाल दिया है और इसका पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। तो इसमें मैं हींग डालना भूल गई थी, तो इसमें हम हींग डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने ये पाव ले लिया है, मैंने 4 पाव लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से इसे बीच से हम काट लेंगे। इसे काटने के बाद इसमें मैंने टमाटो केचप लगाया है। आपके पास अगर लाल चटनी हो तो आप लगा सकते हैं। और ये आलू वाला मसाला इस तरह से लगा कर इसे दबाते हुए इस तरह से हमें चिपका देना है। इसी तरह से सारे पाव में हमें मसाला लगा लेना है और साथ में केचप भी लगा लेना है। इस तरह से सारे पाव में लगा लिया है मैंने। तो अब एक एक पाव को हम बेसन वाले घोल में इस तरह से अच्छे से डुबो देंगे। इसके बाद हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब हम उसमें तलते जाएंगे। दोस्तों ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे उल्टा बड़ा पाव कहते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इस नाश्ते को शाम के चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है, टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो देखिए मैंने सारे के सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे इस तरह से बीच से आपको हम काट कर दिखाते हैं। तो इस तरह से मैंने काट लिया है। आप इस नाश्ते को चटनी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। दोस्तों आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।